अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्कैपुला बोन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लेविकल बोन को स्टडी किया था, आज हम पढ़ेंगे स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स शोल्डर ब्लेड। इट इज़ अ थिन बोन विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। यानी हमारा जो थोरेसिक केज है, जो रिब्स हैं, वो थोड़ी सी कन्वेक्स होती हैं और इसके ये पोस्टीरियो लैटरल यानी पोस्टीरियर सरफेस पे और लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास स्कैपुला बोन है उसके दो सरफेस, थ्री एंगल्स, थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री प्रोसेस हैं। जो सर्फेसिस हैं उसमें आती है हमारे पास सबसे पहले वेंट्रल और इंटीरियर। वेंट्रल भी कह सकते हैं, इंटीरियर भी कह सकते हैं, जो कि कनकेव होती है। दूसरी सरफेस जो है वो हमारे पास डोर्सल सरफेस है, जो कन्वेक्स होती है एंड इज़ डिवाइडेड बाय स्पाइन इनटू सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा। यानी इस जो सरफेस है इसके ऊपर एक स्पाइन प्रेजेंट होती है, डोर्सल सरफेस पे एक स्पाइन होती है जो इसको टू पार्ट्स में यानी सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास थ्री एंगल्स। एक है हमारे पास सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एंड लैटरल और ग्लिनॉइड एंगल। जो लैटरल एंगल है उस वहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है, इस वजह से हम इसको ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। ग्लिनॉइड एंगल इसलिए क्योंकि इसमें ग्लिनॉइड कैविटी होती है जिसमें हमारे पास ह्यूमरस का हेड अटैच होकर ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट बनता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास थ्री बॉर्डर्स। सबसे पहला बॉर्डर है हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर, जो कि शॉर्टेस्ट होता है। दूसरे बॉर्डर्स की निस्बत ये छोटा होता है इसलिए शॉर्टेस्ट है। और लैटरल बॉर्डर जो कि थिक है, और एक हमारे पास थर्ड वाला मीडियल बॉर्डर जो थिन होता है। थ्री बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोसेस। सबसे पहला हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस, जो कि एक ट्रायंगुलर प्लेट की तरह होता है, ट्रायंगुलर प्लेट स्पाइनस प्रोसेस। दूसरा है हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस, जिसके ऊपर क्या एक फेसेट प्रेजेंट होता है क्लेविकल के साथ अटैचमेंट के लिए। अक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है ना स्कैपुला के, एक्रोमियन प्रोसेस का क्लेविकल के साथ जो जॉइंट होता है उसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। थर्ड प्रोसेस जो है वो स्कैपुला का कोरेकॉइड प्रोसेस है, जो कि बेंट और फिंगर लाइक होता है, कोरेकॉइड प्रोसेस। अब हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो डोर्सल साइड है स्कैपुला बोन की। हमने बोला कि जो हमारे पास इंटीरियर या वेंट्रल सरफेस है वो थोड़ी कनकेव होती है और वो हमारे रिब केज के साथ अटैच होती है। जो डोर्सल सरफेस है उसके ऊपर एक स्पाइन प्रेजेंट होती है जो इसको सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देती है। दिस इज स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज क्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज कोरेकॉइड प्रोसेस एंड दिस नोच इज कॉल्ड सुप्रा स्कैपुलर नोच। यानी ये सुपीरियर बॉर्डर है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर है हमारे पास, वहाँ पर क्या है एक सुप्रा स्कैपुलर नोच है। और ये हमारे पास उसका लैटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, तीन एंगल हैं, 1, 2 एंड दिस इज़ द थर्ड। यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट है। दिस इज़ द सुपीरियर एंगल, दिस इज़ द इन्फीरियर एंगल एंड दिस इज़ द लैटरल एंगल। और ये हमारे पास डोर्सल सरफेस है और इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एंटीरियर या वेंट्रल सरफेस है। और हमारे पास थ्री बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर, लैटरल एंड मीडियल बॉर्डर। दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, शॉर्टेस्ट बॉर्डर, दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर। यानी इस तरह से हमारे स्कैपुला प्रेजेंट है ना, और दरमियान में हमारी स्पाइन है, तो ये वाला इसका मीडियल होगा और ये भी मीडियल होगा। दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज़ द लैटरल बॉर्डर। दोबारा देख लेते हैं, स्कैपुला की दो सरफेस हैं, तीन एंगल हैं, तीन बॉर्डर हैं और तीन प्रोसेस हैं। जो फर्स्ट सरफेस है उसको बोलते हैं वेंट्रल और इंटीरियर सरफेस। सेकेंड इज़ द डोर्सल और कॉन्वेक्स एंड एंगल्स है सुपीरियर, इन्फीरियर, लैटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर, लैटरल एंगल।
बॉर्डर्स भी थ्री हैं, सुपीरियर, लैटरल एंड मीडियल. दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज़ द लैटरल बॉर्डर. उसके बाद प्रोसेस हैं थ्री प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरेकॉइड प्रोसेस. दिस इज़ द कोरेकॉइड प्रोसेस, दिस इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज़ द स्पाइनस प्रोसेस. अब हम स्कैपुला बोन की अटैचमेंट्स को देखेंगे. उससे पहले हम लोग इसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि स्कैपुला बोन किस साइड का है. ये है हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी जो हमेशा लैटरल साइड पे आएगी, और ये है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस, ये हमेशा डोर्सल सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है. और ये हमारे पास वेंट्रल और इंटीरियर सरफेस है जो रिब केज के साथ अटैच करेगी. सो इट इज़ द राइट साइड ऑफ स्कैपुला बोन. हम इसको यूँ प्लेस नहीं कर सकते कि हम इसे बोलें कि ये लैटरल साइड का, सॉरी ये लेफ्ट साइड का है, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस हमेशा डोर्सल साइड पे ही आता है. उसके अलावा हम लोग इसको यूँ पकड़ कर भी डिसाइड कर सकते हैं, हमारी इंडेक्स फिंगर जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस पर होनी चाहिए. सो जिस हैंड में ये फिट करेगा उस हैंड की हमारे पास ये स्कैपुला बोन होगी. सो इट इज़ इन माई राइट हैंड, सो दिस इज़ द स्कैपुला बोन ऑफ राइट साइड. यूँ हम इसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमारी इंडेक्स फिंगर कोरेकॉइड प्रोसेस पे, एक्रोमियन पे नहीं है. सो हम इसको यूँ पकड़ेंगे. सो इट इज़ डिसाइडेड दैट दिस इज़ द स्कैपुला बोन ऑफ राइट साइड. अब हम इसके मसल अटैचमेंट्स को देख लेते हैं. अटैचमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बोन के ऊपर. ये हमारे पास वेंट्रल और एंटीरियर सरफेस, जिसको हम लोग सब स्कैपुलरिस साइड भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर सब स्कैपुलरिस मसल अटैच होता है. ये हमारे पास डोर्सल सरफेस है जो कि टू फोसा में डिवाइड हो जाती है. किसकी वजह से? स्पाइनस प्रोसेस की वजह से. स्पाइनस प्रोसेस को सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देता है. और ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है जो कि इसके लेटरल साइड पर प्रेजेंट है. अब इसके हम थ्री सरफेस को देख, टू सरफेस डिसाइडेड हो गए, ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है. अब थ्री हम लोग बॉर्डर्स को देख लेंगे. ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है. यूँ हमारे पास स्कैपुला होते हैं और ये दरमियान में हमारे पास स्पाइन होती है, और ये मीडियल बॉर्डर है. ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है, और ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है जिसको हमने बोला कि शॉर्टेस्ट बॉर्डर है. उसके अलावा हम लोग एंगल्स को देख लेते हैं. थ्री एंगल्स हैं. दिस इज़ द सुपीरियर एंगल, दिस इज़ द इन्फीरियर एंगल, दिस इज़ द लैटरल एंगल जिसमें ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है. उसके अलावा हम लोगों ने प्रोसेसेस को देखा. थ्री प्रोसेसेस हैं. एक एक्रोमियन प्रोसेस है, दिस इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज़ द स्पाइनस प्रोसेस एंड दिस इज़ द कोरेकॉइड प्रोसेस. अब हम मसल अटैचमेंट्स को देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साइड पे कौन सा मसल अटैच होता है. सब स्कैपुलरिस मसल, इसी वजह से हम इसको सब स्कैपुलरिस सरफेस भी बोल सकते हैं. किसको? एंटीरियर सरफेस को. इस साइड पे सब स्कैपुलरिस मसल अटैच होगा, और यहाँ पे सुप्रा स्पाइनस मसल, बिकॉज इट इज़ सुप्रा स्पाइनस फोसा. यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल, यहाँ पर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनस फोसा में. और हमारे पास अब देखते हैं मीडियल साइड, मीडियल बॉर्डर पे कौन से मसल्स अटैच होंगे. एंटीरियर साइड पे मीडियल बॉर्डर के, यानी इनर साइड पे, इस साइड पे सीरेटस एंटीरियर अटैच होगा. और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है मीडियल बॉर्डर की, यानी इसके आउटर साइड पे थ्री मसल्स अटैच होते हैं इस मार्जिन पे. यहाँ पर हमारे पास अटैच होता है लिवेटर स्कैपुलाई. रूट ऑफ स्पाइन पे हमारे पास अटैच होता है रोम्बोइडस माइनर, और रूट ऑफ स्पाइन से लेकर इन्फीरियर एंगल तक हमारे पास अटैच होता है रोम्बोइडस मेजर. अब हमने मीडियल बॉर्डर के थ्री मसल्स पढ़े हैं, लिवेटर स्कैपुलाई, रोम्बोइडस माइनर एंड रोम्बोइडस मेजर. अब हम लेटरल बॉर्डर के मसल्स को पढ़ेंगे. लेटरल बॉर्डर को हमने अपर टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड में डिवाइड किया. अपर टू थर्ड पे हमारे पास अटैच होता है टीरीज माइनर, एंड लेटरल वन थर्ड पे अटैच होता है, सॉरी लोअर वन थर्ड पे अटैच होता है टीरीज मेजर. टीरीज माइनर की हमारे पास टू स्लिप्स होती हैं जिनके दरमियान से सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी पास करती है. हमने मीडियल बॉर्डर के भी मसल्स पढ़ लिए, लेटरल बॉर्डर के भी, और अब हम देखेंगे स्पाइनस और एक्रोमियन प्रोसेस पे कौन से मसल्स अटैच होते हैं. स्पाइनस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होकर एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है. जो स्पाइनस प्रोसेस का अपर लिप है उसके ऊपर अटैच होता है ट्रेपीजियस, एंड जो हमारे पास लोअर लिप है स्पाइनस प्रोसेस का, एंड मतलब क्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस भी इंक्लूड करता है इसमें, इस पर अटैच होता है हमारे पास डेल्टोइड मसल. इस एरिया पर ट्रेपीजियस मसल, और इस एरिया पर हमारे पास
डेल्टोइड मसल अटैच होता है। अब हम देखेंगे कोरेकोइड प्रोसेस पे कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं। इस एरिया पर हमारे पास 3 मसल्स कोरेकोइड प्रोसेस पर अटैच होते हैं। हमारे पास एक मसल है कोरेको ब्रेकियालिस, कोरेको नेम से भी शो कर रहा है कि कोरेकोइड प्रोसेस पे ही अटैच होता है। कोरेको ब्रेकियलिस एंड बाइसेप शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप मसल अटैच होता है। बाइसेप मसल्स के 2 हेड होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। जो शॉर्ट हेड है वो कोरेकोइड प्रोसेस पे अटैच होता है। उसके अलावा जो थर्ड मसल है वो हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है जो कोरेकोइड प्रोसेस पे अटैच होता है। 3 मसल्स हैं कोरेकोइड प्रोसेस के, कोरेको ब्रेकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स एंड पेक्टोरलिस माइनस माइनर। अब ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी के जो ऊपर है ये सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है और ये हमारे पास इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है। जो सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है इसके ऊपर भी लॉन्ग हेड अटैच होता है इसके, और जो इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है इस पर भी लॉन्ग हेड, लेकिन जो सुप्रा ग्लिनोइड है उसके ऊपर लॉन्ग हेड अटैच होता है बाइसेप का। जो इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है इसके ऊपर लॉन्ग हेड अटैच होता है ट्राइसेप का। उसके अलावा हमने ये मसल्स भी देख लिए, कोरेकोइड प्रोसेस के मसल्स भी देख लिए हैं, एक्रोमियन एंड स्पाइनस प्रोसेस के भी, लेटरल साइड पे कौन से मसल अटैच होते हैं, मीडियल साइड पे। ये है हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नोच। सुप्रा स्कैपुलर नोच में से हमारे पास इन्फीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड मसल पास करती है। इन्फीरियर बैली ऑफ मतलब इंफ्रा हायोइड मसल्स हैं, मतलब हमारे नेक रीजन का मसल है उसकी जो इन्फीरियर बैली है वो इस नोच में से पास करती है। उसके अलावा हमारे पास जो इन्फीरियर बॉडी इन्फीरियर एंगल है इस पर हमारे पास लेटिसमस डोरसाई मसल अटैच होता है। ये हमारी बैक का मसल है लेटिसमस डोरसाई। इफ़ यू अंडरस्टैंड दी वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर